कि वो चीज जो होती है वो हमें सुनाई देती है ठीक है या हम आज स्टडी करेंगे कि कैसे इंटरनल हमारा जो ईयर जो होता है बेसिकली वर्क करता है ठीक है हमें जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की या डिफरेंट पिच uh, की जो हम आवाजें होती हैं वो कैसे हम सुन पाते हैं ठीक है ठीके? हमारा ईयर जो होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे एंड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के बारे में ठीक है कि हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड टेक्स प्लेस लाइक द लाइट ठीक है

तो अगर हम ईयर की बात करते हैं ठीक है तो हमारा ईयर जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है विच वन यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है ठीक है हम डिस्कस करेंगे दिस इज नोन एज द आउटर ईयर हम इसको क्या कहते हैं आउटर ईयर यानी ये सबसे बाहर का है ठीक है उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है विच इज नोन एज मिडल ईयर ठीक है ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है मिडल ईयर है फ्रॉम पार्ट टू दिसके एंड सबसे लास्ट वाला पार्ट जो अंदर की तरफ है इट इज नोन एज इनर इज नोन एज द इन अब देखिए इसके पार्ट की अगर बात करते हैं इयर की तो जो ये वाला हिस्सा होता है ठीक है जहां से आप अपने कान को पकड़ते हैं या आपके मदर कान को पकड़ती है ठीक है तो इसका मतलब क्या है दिस वन इज पिन्ना हम इसे क्या बोलते हैं पिन्ना बोलते हैं ओके दैट इज नोन एज द पिन्ना ओके बेटा एंड देन उसके बाद पिन्ना जो होता है वो कहां पर ओपन होता है इट इज नोन एज द ऑडिटरी कैनाल इसको हम क्या कहते हैं ऑडिटरी कैनाल कहते हैं या ईयर कैनाल कहते हैं तो मैं इसको यहां लिख रही हूं दैट इज नोन एज द ईयर कैनाल और वी कैन से दैट ऑडिटरी कैनाल ओके दैट इज नोन एज द ऑडिटरी कैनाल ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी कैनाल जो होती है बेटा वो कहाँ ओपन होती है दैट इज अगेन फॉलोड बाय विच वन ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दिस वन इट द ईयर ड्रम इसको हम क्या बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं इट इज नोन एज द ईयर ड्रम और वी कैन से दैट इट इज टिम्पेनिक मैमब्रेन टिम्पेनिक मैमब्रेन क्योंकि यही चीज वाइब्रेट करती है ठीक है तो उसके बाद साउंड एम्पलीफाई होता है एंड देन रीचेस टू द नेक्स्ट पार्ट ओके तो व्हाट इज इट दिस वन इज द ईयर ड्रम जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट वन उसके बाद क्या होता है कि जो ईयर ड्रम है वो ठीक है थ्री बोन्स जो होते हैं बेसिकली उससे जुड़ी होती है ठीक है दैट इज तो थ्री बोन्स को क्या कहा जाता है ऑसिकल्स कहा जाता है दे आर नोन एज ऑसिकल्स कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है इन थ्री बोन्स का उनको ऑसिकल्स कहा जाता है ठीक है और तीनों बोन्स का नाम आपको लर्न करना है विच वन दैट इज मेलियस इंकस एंड स्टेपिस विच वन मेलियस इंकस एंड स्टेपिस थ्री बोन्स आर बेसिकली नोन दिस वन इज एम यानी मेलियस ओके दिस वन इज इंकस आई ओके एंड दिस वन इज स्टेपिस इसको मैंने एस स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहां लिखा है ठीक है इस इंटरनल ईयर को रब कर दिएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर को ओके okay? यहाँ थोड़ा हम लिख सकते हैं तो मेलियस इंकल और स्टेपिस कहा जाता है ठीक है या फिर हम इसको अदर नेम भी देते हैं तो मेलियस इज नोन एज द हैमर आल्सो नोन एज है जाता है उसके बाद इंकस का अदर नेम क्या है दैट इज एनविल

After that, what happens? This part is known as Eustachian tube. This is known as Eustachian tube. So, what we say? Eustachian tube. Okay. Next, what happens? These three parts, these are known as semicircular canal. Semicircular canals. Okay, these three.

लेकिन नेमिंग आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करनी है इज इट फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज नोन एज द पिन्ना एंड आफ्टर दैट ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल इट इज ओपन बेसिकली पिन्ना जो होता है वो किस में ओपन होता है ऑडिटरी कैनाल में ओपन होता है एंड द टिम्पेनिक मैमरेन और द ईयर ड्रम बेसिकली वी कैन से दैट ओके जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम ये पार्ट जो होते हैं आउटर ईयर का पार्ट बनाते हैं ठीक है देखे? मिडिल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ द थ्री बोन्स दैट इज द मेलियस इंकस एंड स्टेपिस ओके इस तरह से जिसको हम हैमर एंड विल और स्टेरेप भी कहते हैं ठीक है और कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है ऑसी कल्स कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट वन सेमी सर्कुलर कैनाल्स कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व इज बेसिकली प्रेजेंट एंड यू स्टेचियन ट्यूब इस बेसिकली प्रेजेंट ओके तो आउटर ईयर में क्या होता है लेकिन कार्टिलेजिनस -like होता है फ्लैप लाइक होता है ठीक है विच कैन इजिली क्या होता है बैंड हो जाता है दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहां से साउंड की वेब्स जो होती है वो क्या होती है कलेक्ट होती है कहां पर ऑडिटरी केनाल में ठीक है यानी कि जब भी कोई चीज जैसे कि लाउड स्पीकर अगर आप कहीं खड़े हैं और आवाज वहां से क्या होती है वहां से वेव्स जो बनती है, वो धीरे धीरे आकर कहा कलेक्ट होती है यहाँ पर ईयर कैनाल में या ऑडिटरी कैनाल में क्या होती है वहां कलेक्ट होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट ईयर ड्रम होता है ये ऑडिटरी कैनाल उसे कहाँ सेंड करती है टुवर्ड्स द तो ईयर ड्रम पर सेंड करती है कहां पर ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्रेन पर जिसे आप कान का पर्दा भी कहते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट वन इज जो कि एक स्ट्रेस्ट मैमब्रेन होती है और जो क्या करती है सेपरेट द आउटर ईयर जो आउटर ईयर को क्या है मिडल ईयर से जस्ट सेपरेट करती है ठीक है जो मिडल ईयर से क्या करती है सेपरेट करती है ओके okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल ईयर की दिस वन इज द मिडल ईयर अब देखिए यहां पर क्या है साउंड की वेव्स पहुंची है ठीक है अब उसके बाद क्या होगा वो वेव्स यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होंगी वो वाइब्रेट करेंगी ठीक है जब ये इससे क्या है टकराएंगी वेव्स जो होंगी साउंड की वेव्स तो they will strike the, what? दे विल स्ट्राइक द व्हाट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और द ईयर ड्रम एंड दैट सेंड द वाइब्रेशन टू द मेलियस देन मेलियस सेंड द वाइब्रेशन टू द इंकस एंड देन अगेन टू द स्टेपिस ठीक है तो ये चेन होती है किसकी तीन बोन्स की चेन होती है थ्री बोन्स की चेन होती है मेलियस इंकस एंड स्टेपिस मसल्स नहीं है ये ये तीनों बोन्स हैं और जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है दे आर ऑसिकल्स कहा जाता है ठीक है एंड हैमर इज कनेक्टेड टू व्हाट ये वाला हैमर जो होता है जिसको हम मेलियस कहते हैं ठीक है ठीके? ये हैमर जो होता है वो ईयर ड्रम से क्या होता है कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन पहले कहां पहुंचती है मेलियस पर पहुंचती है ठीक है मेलियस यानी हैमर पे पहुंचती है जो ठीक है क्स्ट वन द थ्री बोन अकॉर्डिंग टू कहते हैं कनेक्टेड है, है, है? रहती है थ्रू दूस्टेशन ट्यूब ठीक है दैट इज थ्रू Eustachian ट्यूब ओके और थ्रॉट से बेसिकली कनेक्टेड होती है दिस वन आपने देखा होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वो जो होती है फीलिंग होती है ठीक है ज्यादा अगर साउंड वेव्स जो होती हैं कलेक्टेड रहती है या आप आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप थोड़ा वन वन दैट इज द इनर इनर ईयर की बात करते हैं ठीक है 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 इनर ईयर जो होता होता प्रेजेंट एंड इट इज ए लिक्विड जो होता है बेसिकली इसमें प्रेजेंट रहता है ठीक है क्या प्रेजेंट रहता है लिक्विड प्रेजेंट रहता है अब देखिए आपके पास जो साउंड वेव्स आई थी वो कौन से मीडियम से आई थी एयर मीडियम से आई थी ठीक है अब उस और साउंड वेव्स को एम्प्लीफाई किया जाता है इंक्रीज किया जाता है ठीक है तो एम्प्लीफिकेशन का जो काम होता है इंक्रीज करने का उन साउंड वेव्स को ठीक है ताकि आवाज अधिक हो ठीक है तो इसकी वजह से मेलियस एंकर्स जो होते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं और एक स्मॉल एरिया में स्टेपिस के थ्रू उसे कॉकलिया तक पहुंचाते हैं ठीक है कॉकलिया तक पहुंचाते हैं

करने के लिए ताकि उसको पहुंचाया जा सके ब्रेन तक ठीक है बेसिकली ठीक है कॉकलिया तक उसे पहुंचाया जाता है ओके नेक्स्ट वन इज वॉट कॉकलिया स्पाइरली क्वाइल्ड ट्यूब कॉकलिया क्या है स्पाइरली क्वाइल्ड ट्यूब है ठीक है लुक्स लाइक अ स्नेल शेल जो कि स्नेल के शेल के आकार की है ठीक है एंड इट इज फिल्ड विद मैंने आपको बताया कि वो फ्लूड से क्या होती है फिल्ड होती है और उसमें कुछ स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें जैसे आपने देखा होगा कि ग्रास देखी है जब ग्रास की एक प्रॉपर लेयर होती है बहुत अच्छी ग्रीन कलर की आपने देखी होगी ठीक है और जब बहुत तेज हवा चलती है ठीक है तो वेव्स एक तरह से वेवी है ना वो एक तरह से ठीक है तो जब बहुत तेज हवा यानी कि विंड जब बहुत तेज चलती है तो उसकी वजह से हेयर जो होते हैं वो ऐसे जो होते हैं बेसिकली वो मूव करते हैं ठीक है यस कह रही में ग्रासेस जो होते हैं वो इस तरह से मूव करने लगते हैं तो बिल्कुल सेम वैसे ही होता है साउंड वेव्स व्हेन ट्रेवल थ्रू इट फ्लूड ठीक है जो होते हैं जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हेयर सेल्स कॉकलिया में ठीक है वो उन वेव्स को ठीक है कहां तक पहुंचाते हैं ऑडिटरी नर्व्स तक पहुंचाते हैं एंड देन कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ठीक है उन्हें इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के फॉर्म में क्या होता है सेंड करते हैं टू द ऑडिटरी नर्व ठीक है एंड व्हाट इज इट ल्स so, जो होते हैं बेसिकली एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर देयर सेल्स बेसिकली प्रेजेंट इन द कॉकलिया विच एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ठीक है जो उन साउंड क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं ठीक है उन इंपल्सिस को एक्सेप्ट करते हैं

इस तरह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कहां तक पहुंचते हैं ब्रेन तक पहुंचते हैं फिर ब्रेन क्या करता है उसको इंटरप्रिट करता है समझता है और उसके बाद आपको बताता है कि आपने क्या सुना है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट की हाउ द वर्क्स ठीक है कि ईयर जो होता है वो कैसे वर्क करता है तो तीन चीजें आपको लर्न करनी है व्हाट इज़ अबाउट कि आपको डिफरेंट ऑसिकल से प्रेजेंट होते हैं उनके नेम याद करने हैं ठीक है एंड व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ इट व्हाट इज इट दैट इज आउटर ईयर मिडल ईयर एंड द इन ईयर विच वन पार्ट फॉर्म्स द आउटर ईयर विच वन पार्ट फॉर्म्स द मिडल ईयर एंड विच फॉर्म्स द इनर ईयर तो सबसे पहले क्या होता है कि पिन्ना जो होता है वो क्या होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है ठीक है साइज का इंक्रीज बड़ा होने की वजह से ठीक है है दैट इज कलेक्ट होता और फिर उसको कहा तक उन वाइब्रेशन को बेसिकली कहां पहुंचाया जाता है दैट इज टिपेनिक मेमब्रेन में पहुंचाया जाता है जहां पर वाइब्रेशन होती है ठीक है ईयर ड्रम पर ठीक है थ्रू द ईयर कैनाल एंड किसके थ्रू ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल के ऐसा होता है, फिर यह साउंड पड़ती है, जब पर है तो वो वाइब्रेट करने लगता है इयर ड्रम, ड्रम जो होती है जब वाइब्रेशन करती, करती है उसको इंक्रीज कर देती है कौन सी वो तीनों बोन्स जो होती है उस साउंड को क्या करती है और इंक्रीज कर देती है बढ़ा देती है ठीक है क्योंकि एयर से वो उसे कहां भेजना है लिक्विड में भेजना है इन कॉकलिया में भेजना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉकलिया जो होता है उसमें फ्लूड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है बेटा प्रेजेंट रहता है तो उसे से किस में भेजना है लिक्विड में भेजना है ठीक है सो द्री बोन्स आर बेसिकली प्रेजेंट मेलियस एंड स्टेप और हैमर एनविल एन स्टेरप जिसे हम कहते हैं ठीक है एंड देन उसके बाद उसका काम क्या होता है एम्पलीफाई करना इनका और फिर उसके बाद इट सेंड द इम्पल्स टूअर्ड द कॉकलिया ठीक है कॉक्लिया में उसे क्या होता है बेसिकली भेजा जाता है तो कॉकलिया जो होता है उस एम्प्लीफाइड वेव्स को ठीक है वाइब्रेशन को क्या है तीन बोन्स के थ्रू क्या करता है रिसीव करता है एंड सेंसिटिव हेयर्स जो प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं हेयर सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं कॉकलिया में ठीक है वो कन्वर्ट करते हैं उन्हें नर्व इंपल्सिस में और फिर सेंसरी नर्व जो होती हैं ठीक है थ्रू द ऑडिटरी कैनाल ठीक है ऑडिटरी नर्व कैरी में ऑडिटरी नर्व जो होती है, है उसके थ्रू वो आती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती हैं ठीक है ठीके? और देन इट इज नर्व इम्पल्स को यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को क्या होता है फिर नर्व नर्व के थ्रू क्या किया जाता है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ठीक है और ब्रेन जो होता है फिर डी करता है कि डिकोड करने के बाद आपको बताता है ठीक है स्पेसिफिक साउंड के बारे में ठीक है एंड वट इज इम्पल्सिस को कन्वर्ट करता है कि आपने कौन सा स्पेसिफिक साउंड जो है वो बेसिकली सुना है ठीक है जो आपने देखा होगा बॉडी का जो मेन पॉस्चर होता है ठीक है दैट इज बैलेंस्ड uh, है ठीके? एक तो वो ईयर के थ्रू ही क्या होता है ईयर ओके okay, बेटा इज इट क्लियर दैट इज द फंक्शन ऑफ इयर हाउ बेसिकली वर्क एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर की डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ईयर के वो कौन कौन से होते हैं ओके okay? नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड बहुत सारी ऐसी पढ़ा होता है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वाइब्रेशन जब क्रिएट होती है तो साउंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है प्रोड्यूस होता है ठीक है और वट अबाउट वेन यू अपने हाथों को जब भी आप वाइब्रेट करेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेंगे तो क्या होता है कि उसमें आप वाइब्रेशन तो होंगी बट वो वाइब्रेशन बहुत धीमी होंगी बहुत कम होंगी ठीक है इतनी कम होंगी कि आपको आपको शायद वो वो नहीं सुनाई देती ठीक है अगर आप हाथों तो को बहुत तेजी से इस तरह से घुमाते हैं टू एंड ठीक है तो वो आपको नहीं सुनाई देंगी ठीक है तो वॉट इज इट क्यों नहीं सुनाई देंगी क्योंकि हमारे ईयर्स जो होते हैं उन वाइब्रेशन को क्या करते हैं रिस्पोंड uh, नहीं करते ठीक है तो टू साउंड क्योंकि उनकी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी कम होती है तो अवर यस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द साउंड ठीक है दैट इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट से कम होती है उनकी आवाजें हमें नहीं सुनाई देती यानी हमारा ईयर जो होता है उन वाइब्रेशंस के बदले में रिस्पॉन्ड नहीं करता ठीक है किसकी जो वाइब्रेशंस ठीक है जो साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी किसकी ट्वेंटी हर्ट से क्या होती है कम होती है Okay? ठीक है मैंने आपको बताया था. So what is it? Also frequency. और उन उन की की भी बाले में नहीं दे उन की भी देता जिनकी जिनकी से ज्यादा होती है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से क्या होती है दैट इज ज्यादा होती है मतलब सिर्फ हम अगर वाइब्रेशन या साउंड को अगर सुन सकते हैं तो सिर्फ उन आवाजों को सुन सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच की होती है यानी कि 20 हर्ट्स से लेके 20,000 थाउजेंड कैनोट बी हर्ड बा ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ठीक है अब हम बात करते हैं ऑडिबल साउंड के बारे में ऑडिबल तो वही हुए वह, जैसे मैंने आपको बताया ऑडिबल मतलब जो हम सुन सकते हैं उन आवाजों को या ध्वनियों को ठीक है तो ऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट लाइज बिटवीन द ट्वेंटी थाउजेंड टू व्हाट ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी ठीक ठीक है, है? है गलत हो गया था, ठीके? तो इसका मतलब क्या है कि audible sounds क्या होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 hertz से 20, hertz के बीच की होती है, और हम उन आवाजों को आसानी से सुन सकते हैं इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं ऑडिबल साउंड हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज होती है ठीक है अगर हम ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है ठीक है ऑडिबल रेंज जो है वो कितनी है ट्वेंटी हर्ट से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक है ठीक है ऑडिबल रेंज कितनी है ट्वेंटी हर्ट से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक की है ठीक है अब बात करते हैं इनऑडिबल साउंड की अब इनऑडिबल साउंड जो कि लेस देन ट्वेंटी हर्ट से है और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ज्यादा है ठीक है मतलब ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट से कम होती है और 20,000 थाउजेंड से ज्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं इनऑडिबल साउंड कहते हैं क्योंकि वो हमारे ऑडिबल रेंज okay. से परे होती है ठीक है हम उन आवाजों को नहीं सुन सकते वी कैनोट हियर दैट सच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स एंड वट अबाउट

क्या मैंने बताया जिनकी फ्रिक्वेंसी दैट इज लेस देन दे जिनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है लेस देन ट्वेंटी होती 20 है तो उनको क्या कहते हैं इंफ्रा कहते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड्स इन्हें क्या कहते हैं इंफ्रासोनिक ठीक है इंफ्रासोनिक कहते हैं और जिनकी मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्ड से अधिक होती है उनको हम क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड बात समझ आई आर नोन एज अल्ट्रासोनिक

ह्यूमन की अगर ऑडिबल रेंज की बात करते हैं तो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज कितनी है ट्वेंटी हर्ड से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स तक है ना तो हम इससे कम की आवाजों को सुन पाते हैं ना हम इससे अधिक की आवाजों को यानी साउंड सुन पाते हैं हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो सिर्फ इसी के बीच की है ठीक है जो साउंड अगर इनके बीच की हर्ट मतलब फ्रिक्वेंसी इनके बीच की होगी हम सिर्फ उन्ही साउंड को सुन पाएंगे ओके और जिनकी लेस देन ट्वेंटी हर्ड्स होती है जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होती है उन्हें इंफ्रा कहा जाता है इंफ्रासोनिक्स कहा जाता है साउंड्स और जिनकी मोर देन 20,000 होती है है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता ओके okay? अगर हम बात करते हैं बेटा ठीक है रायनासोर्स जो होते हैं जो कॉम्युनिकेट करते हैं रायनासोर्स उनकी जो साउंड जो क्रिएट करते हैं वो लेस देन ट्वेंटी हर्ड्स होती है ठीक है यानी वो इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है ठीक है ट्वेंटी हर्ड से तो वो लो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं ठीक है और इंफ्रासोनिक साउंड्स दे बेसिकली प्रोड्यूस तो हम उन आवाजों को नहीं सुन पाते हाउ दे विद ईच अदर ठीक है other, कि वो कैसे एक दूसरे से कॉम्युनिकेट करते हैं दूसरा एग्जांपल है कि एनिमल्स में अगर एलिफेंट्स की की बात की जाए ठीक है उनमें भी इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है वो जनरली क्या होता है प्रोड्यूस होता है ठीक है सो लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं आज प्रोड्यूस बाई मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स अब जब अर्थक्वेक की बात करते हैं हम ठीक अर्थ क्वैक में भी जो आता है तो उसकी जो वाइब्रेशन फॉर्म होती है वो भी क्या होती है इंफ्रासोनिक होती है यानी कि उनकी वाइब्रेशन का जो साउंड जो क्रिएट होता है वो लेस देन ट्वेंटी हर्ट से कम होता है ठीक है इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है एंड दिस साउंड वेन हर्ट बाय द एनिमल्स जबकि ये बात भी है कि ऐसी मतलब एक कहा जाता है कि देर इज अ वॉट थियोरेटिकल फॉर्म में या फिर स्टडी uh, की जाती की गई है कि जो जानवर होते हैं एनिमल्स होते हैं वो इन साउंड्स को सुन पाते हैं सो दैट्स वाई इसी ये भी स्टडी की गई कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक के आने से पहले क्या होता है वो Uh, एक uh, कहा जाए तो बेसिकली एक्टिव हो जाते हैं एंड दे बेसिकली माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस उस प्लेस से वो क्या होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं ठीक है uh, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर जो उनके अंदर पाया जाता है ट्यूरिंग ड्यूरिंग दिस वन ठीक है अर्थवेक के दौरान वो स्टडी किया गया है बेसिकली तो एनिमल्स जो होते हैं मेक देम अलर्ट ठीक है वेन दे शो सम एबनॉर्मल बिहेवियर ओके हम बात करते हैं किसकी अल्ट्रासोनिक साउंड्स की तो एनिमल्स में क्या होता है कुछ एनिमल्स में इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा प्रोड्यूस होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स की अगर हम बात करें तो हम इंफ्रा सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड्स की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं वो हम नहीं सुन सकते क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इससे ज्यादा होती है ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा होती है ठीक है अगर हम बात करें डॉल्फिन की ठीक है उनकी जो आवाजें होती हैं वो विसल की तरह होती हैं और वाटर में ही होते हैं बेसिकली ठीक है तो उनकी आवाजें जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं ठीक है ठीके? लेकिन वो हमारे सुनने से बहुत परे होती हैं ठीक है ठीके? तो बैट्स की बात करें या फिर डॉल्फिन की बात करें दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक की तो बैट्स जनरली और डॉल्फिन जो होते हैं दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड एंड इसी वजह से बैट्स जो होते हैं रात के समय अपना शिकार जो होता है वो आसानी से जो प्रे जो होता है वो इसी तरह से कैच कर पाते हैं ठीक है दूसरी चीज क्या है बेसिकली तो वट इज इट अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो वाइब्रेशंस उनसे क्रिएट होती हैं वो टकराती हैं किसी ऑब्स्टिकल से और फिर उस ऑब्स्टिकल से वो वापस आती हैं उन तक पहुंचती है तो इस तरह से वो अपनी आसपास की चीजों को वो समझ पाते हैं कि देर इज समथिंग ऑब्स्टिकल इन बिटवीन ठीक है द पाथ ठीक है तो व्हाट इज इट ईयर ड्रम्स प्रोपोज ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं बैट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर पाते हैं इसी की हेल्प से अल्ट्रासोनिक साउंड्स की हेल्प से ठीक है इन बेसिकली डार्क में ठीक है और डॉल्फिन जो होती है वो ओशन में अपना जो लोकेशन होता है उसको फाइंड कर पाती है ठीक है डॉग्स जो होते हैं अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो डॉग्स का जो कैन हियर दे कैन हियर अप टू फोर्टी थाउजेंड हॉर्ट्स ठीक है डॉक्स जो होते हैं उन वो उनकी जो सुनने की क्षमता होती है ऑडिबल रेंज होता है वो फोर्टी थाउजेंड हॉर्ट्स तक होता है ठीक है इज इज इट दैट हियर अप टू तक जो है है वो सुन सकते हैं ठीक एंड देर इज अ स्पेशल विसल्स जिन्हें हम कहते हैं गोल्टन विसल कहा जाता है ठीक है दैट कैन प्रोड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड हॉर्ट्स तक की वो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो विसल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से उसको वो आसानी से सुन सकते हैं ठीक है ठीके? जो कि बेसिकली ऑनर्स के द्वारा जो होती है डॉग ऑनर्स के द्वारा क्या की जाती है यूज की जाती है ओके सो नेक्स्ट वन इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कि लाइट जो होती है बेटा रिफ्लेक्ट करती है वेन इट स्ट्राइक ऑन सरफेस ये तो आपको पता है कि वो सरफेस कैसा भी हो सकता है स्मूथ हो सकता है रफ हो सकता है ठीक है और फिर उसके बाद वो बाउंस होती है उस पर्टिकुलर सरफेस से एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए दिस वन इज अस को एक सरफेस समझ लीजिए ठीक है एंड लाइट की रेस जो होती है वो इस तरह से किसी पर आती है लाइट ओके इज नोन एज द इंसिडेंट रे ओके एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां वो पड़ती है और फिर यहाँ से वो बाउंस हो जाती है तो बाउंस होके उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है एंड दट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे

और इट में बी स्मूथ सरफेस ये तो आपने पढ़ा है ठीक है अब देखिए रफ सरफेस होता है तो लाइट की रेज जो होती है जब किसी पर, रफ पर जब ऐसे, पढ़ती है स्ट्राइक करती है तो वो क्या होती है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है स्प्रेड हो जाती है इस तरह से okay? ये तो पता है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है स्प्रेड हो जाती है ठीक uh, है ठीके? और दूसरी बात अगर वो प्लेन सरफेस पे पड़ती है लाइक like मिरर की अगर हम बात करें जब लाइट की रेस प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो दे रिफ्लेक्ट इन सेम सेम एंगल एंगल एट द बेसिकली से डिफरेंस है ना तो विच वन दिस वन अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये तो पढ़ा है हमने कि ये yes, है और ये क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन है ठीक है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पर होता है लाइक द मिरर विच इज पॉलिश सरफेस होता है ठीक है एंड स्मूथ है और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेसिस पर होता है जहां पर लाइट की रेज जो होती है वो क्या होती है स्प्रेड हो जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन में ठीक है अगर हम साउंड की बात करते हैं बेटा अनलाइक लाइट की तरह साउंड भी जो होता है ठीक है वो भी रिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी सरफेस पर पड़ती है चाहे वो ये सरफेस हो ठीक है चाहे वो इस तरह का सरफेस हो चाहे वो वॉल हो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है वो रिफ्लेक्ट होती है और व्हाट इज इट आपने पढ़ा होगा कि लाइट के बारे में कि कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब होता है कुछ हिस्सा जो होता है उसका ट्रांसमिट हो जाता है कुछ हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट की रे जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो कुछ हिस्सा जो होता है इसका पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड कुछ रिफ्लेक्ट होता है कुछ एब्जॉर्ब होता है कुछ ट्रांसमिट हो जाता है ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम कुछ ऐसा होता है कि मैक्सिमम होता है लाइट की रेज का और कुछ ऐसा होता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिट हो जाता है ठीक है लाइक अगर हम ट्रांसपेरेंट uh, थिंग की बात करते हैं ट्रांसपेरेंट कोई चीज है ठीक है तो उसमें मैक्सिमम ट्रांसमिट होगा लाइट की रेज जो होती है ट्रांसमिट हो जाएगी बहुत कम एब्जॉर्ब होगा ठीक है और बहुत कम जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा समझ आ रही है तो इस तरह से जो होता है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लाइट के बेसिकली हम पढ़ते हैं ठीक है तो साउंड की अगर हम बात करें तो वेन यू स्पीक जब आप कुछ बोलते हैं ठीक है तो साउंड की वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आउट होती हैं बाहर की तरफ फॉर्म होती है और स्प्रेड इन द एयर में वो डायरेक्शन में क्या होती है इस तरह से वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है ठीक है एंड देन उसके बाद साउंड की वेव्स जब हमारे ईयर तक क्या है डायरेक्टली नहीं पहुंचती है

नहीं पता थोड़ी घर में है नहीं घर में तो रहते ही नहीं है मैम हम हम तो घर पे रहते ही नहीं है हम पता नहीं कहाँ रहते हैं वी हैव ऑन ऑन वर्ल्ड हमारा खुद का एक संसार है हम आसपास के फिनोमेना को नहीं समझते हैं है थोड़ी धीरे आवाज हाँ कम आवाज आएगी कम होगी कम होगी बेटा कम होगी क्यों होगी वो एब्जॉर्बर है गुड एब्जॉर्बर है साउंड का ठीक है जो स्मूथ सरफेसेस yes, होते हैं दे आर द गुड एब्जॉर्बर और जो रफ सरफेसेस होते हैं दे आर द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साउंड ओके तो कल yes, पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ़ साउंड बेसिकली क्या होता है ठीक है तो अपने नोट्स वगैरह क्लियर कर लो क्योंकि छोटे बच्चों को भी नोट्स के लिए बुलाया जा रहा है कॉपी चेकिंग के लिए हो सकता है तुम्हारी भी क्लासेस स्टार्ट हो चिंता मत करो तुम भी ठीक है मैम 14 दिसंबर से तो 9th के 9 टू 12 स्टार्ट हो गया ना एग्जाम यस 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 एसएसवन हाफ का भी हो सकता है ऑनलाइन यस आई डोंट नो अबाउट ऑनलाइन की ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है कुछ नहीं पता बेटा बता, बता दिया जाएगा अब आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए बस इतना कहना है मुझे ठीक है यस मैम बुक बुक हाँ मैक्सिमम बच्चों ने पूछा कि मैम आप जिस नोट को oh, <laughs> वो बेटा अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए ठीक है अदरवाइज आपकी NCRT बुक में भी है है बहुत अच्छा कुछ दिया है. तो दिस वन इज लर्निंग सीरीज ठीक है कॉर्डोवा लर्निंग सीरीज है आप कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था एक्सप्लोरिंग साइंस दैट इज ठीक है तो वो है कॉर्डोवा लर्निंग सीरीज है कुछ बाहर से भी होता है कुछ बुक से भी होता है ठीक है तो अगर आप लेना है तो ले लीजिए अदरवाइज आपके पास और भी बुक्स हैं और भी आप बुक्स आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है मैम आप जो बुक से भेजती हैं वही सब नोट्स लिखेंगे हाँ हाँ वही उसी से ही तो कल मैं। तो मैंने भेजा नहीं था बाद में भेजूंगी हाँ बोलो हाँ किस चीज का एक एक दिन